दोस्तों, ये लड़का प्लास्टिक की बोतल के सहारे एक देश से दूसरे देश पहुंचा। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि लड़का किस तरीके से रो रहा है। इस लड़के की क्या मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से ये एक देश से दूसरे देश प्लास्टिक की बोतल के सहारे तैरते हुए जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के आखिर में वजह क्या है। यह वीडियो देखकर बहुत से लोग भावुक हो गए होंगे। दरअसल इसे 17 तारीख को फिल्माया गया था। इसमें एक लड़का प्लास्टिक की खाली बोतलों को अपनी कमर और कपड़ों से बांधे समंदर की सतह पर बने रहने की कोशिश कर रहा है। वह किनारे तक पहुंचने के लिए काफी जदोजहद कोशिश कर रहा है, चिल्ला रहा है और रो भी रहा है। उसकी बेबसी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही है। बताया गया है कि यह प्रवासी लड़का स्पेन मोरक्को के सीमा से तैरते हुए स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र से उटा पहुंचा है। देखा जा सकता है कि जब युवक पानी से निकलकर सामने मौजूद दीवार को फांद के यानी कि दीवार को पार करके शहर में जाने की कोशिश करता है तो वहां मौजूद स्पेनिश सैनिक उसे हिरासत में ले लेते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वो लड़का कहता सुनाई दे रहा है कि मोरक्को वापस जाने के बजाय वह मरना पसंद करेगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि यह लड़का उन 8000 प्रवासियों में से एक है जो मोरक्को छोड़कर सेउटा आ गए हैं। युवक को साथ ले जाने वाले स्पेनिश सैनिक रसिद मोहम्मद अल मेसाओ ने बताया कि वो लड़का वापस मोरक्को नहीं जाना चाहता। उसका मोरक्को में कोई नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं है अगर वो ठंड से भी मर जाए। इस लड़के को ऐसी क्या दिक्कत होगी जिसकी वजह से वो अपने देश वापस नहीं जाना चाहता। रिपोर्ट के मुताबिक जब 17 मई को मोरक्को ने अपनी सीमाओं पर नियंत्रण ढीले किए तो सीमा पार करने के लिए लोगों ने मौके का फायदा उठाया, लेकिन सेउटा पहुंचते ही स्पेनिश सैनिक ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दरअसल स्पेन मोरक्को के रहने वाले लोगों को शरणार्थी का दर्जा नहीं देता है। शरणार्थी का मतलब यह होता है कि शरणार्थी वो इंसान होते हैं जो उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के कारण अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में रहने के लिए जाते हैं और डरने के नाते वापस अपने मुल्क लौटना नहीं चाहते हैं। उनको शरणार्थी कहा जाता है। सिर्फ बिना अभिभावक के आए नाबालिग सरकार की देखरेख में देश में रह सकते हैं, लेकिन फिर भी क्यों वहाँ की सरकार उन्हें शरणार्थी का दर्जा नहीं दे रही है? क्योंकि मोरक्को के एक बागी नेता को स्पेन के एक अस्पताल में उपचार की अनुमति मिलने के बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए। यानी कि दोनों देशों के बीच के रिश्ते खराब होने के कारण उन्हें शरणार्थी का दर्जा नहीं प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में पहले क्या आप लोगों को ये बात पता थी? अगर नहीं पता थी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना।